नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। हमारी खास पेशकर दहला अरनपुर में आपका स्वागत है। और दंतेवाड़ा में जो आज घटना हुई है उसकी पल पल से अपडेट हम आपको करा रहे हैं। उसी कड़ी में आज क्या क्या हुआ, क्या इस पूरी घटना की अपडेट है, हम बताएंगे अपने खास पेशकश दहला अरनपुर में। तो आपको अब तक के सूरत हाल की जानकारी दे दें, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये, दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर में आज एक बड़ी नक्सली घटना हुई है, जिसमें जवान जो कि गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे उनको विस्फोट से उड़ा दिया गया, जिसमें 10 जवानों की मौत हो गई, एक ड्राइवर भी शामिल है। इस तरीके से कुल 11 लोगों की मौतें हुई है। जो लगातार अपडेट आ रही है उसके मुताबिक इस पूरी घटना में जो जवान शहीद हुए हैं उनके नामों की जानकारी हमारे पास आ चुकी है। इस पूरी घटना की जो सूचना है वो सिलसिलेवार तरीके से हमारे पास आ चुकी है। हमारे संवाददाता ग्राउंड स्थल पर पहुंच चुके हैं, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और इस घटना के बाद अब स्थिति यह है कि PHQ में विशेष बैठक चल रही है। तो ये घटना की तस्वीर एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं। ये पक्की मजबूत सड़क, लेकिन एक बड़ा सा गड्ढा उसमें दिखाई दे रहा है। बाजू में पड़े हुए वाहन के अस्त व्यस्त अस्त्र शस्त्र जो उसके यंत्र दिखाई दे रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये विस्फोट कितना भयानक रहा होगा। इस मार्ग की को अभी अभी कुछ महीने पहले ही बनाया गया है, इसलिए इस जगह पर कोई ऐसे घात लगाकर हमला हो, इस बात से वहां पर जाने वाले जवान बेखबर थे और इसीलिए ये घटना को नक्सली आसानी से अंजाम देने में सफल रहे। तो इस घटना की तस्वीरें पहले तो आपको दिखा रहे हैं और इस घटना की तस्वीरों से साफ है वो मंजर जिससे कि नक्सलियों ने अंजाम दिया है। पूरी घटना की अब तक की अपडेट लेने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश अल्लूर जुड़ गए हैं, उनसे पहले जानकारी ले रहे हैं। सतीश बताओ अब तक की क्या जानकारी है, जैसे कि हमें नाम पता चल चुके हैं जवानों के, घटना कैसे हुई, किस तरीके को, इस बारे में कोई जानकारी है क्या? बिल्कुल मोहन जी, मैं बताना चाहूंगा आपको। यह घटना का काफी देखने को मिल रहा है, इस तरह का यह घटना है। काफी जो है इस घटना के बारे में पहले भी जानकारी दिया गया है कि किस तरफ से फोर्स निकली थी और किस तरफ से यह फोर्स जा रही थी, और फोर्स का जो मूवमेंट था उस पर कड़ी नजर रखी हुई थी नक्सलियों ने। और कहीं ना कहीं जो सूचना तंत्र नक्सलियों का है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस प्रकार का मजबूत था जो इस प्रकार की घटना को जो है अंजाम दिया जा सका है। मैं आपको और ये भी बता दूं कि जिस जो अरनपुर जो क्षेत्र है, ये आप सभी जानते हैं कि बहुत ही अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है अरनपुर, और दंतेवाड़ा का यह इलाका जो थाना क्षेत्र अरनपुर बताया जा रहा है, यहाँ से लगभग आधा ही किलोमीटर कुछ जो क्षेत्र बचा था जो जंगलों का पूरा घनघोर जंगल है, जहाँ पे वहां पे आईडी प्लांट पहले से नक्सलियों ने किया हुआ था। और उस क्षेत्र में जिस प्रकार का यह ब्लास्ट हुआ है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कम से कम 50 किलो के आसपास का यह जो आईडी बम जो था वो रखा हुआ था। और बिल्कुल जैसे ही कार पिकअप जो वाहन थी, जो जवानों को भरा हुआ जो वाहन पिकअप था, जैसे ही उस स्पॉट पे पहुंचता है और वहां पे नक्सलियों के द्वारा उसको उड़ाया जाता है, और उड़ाने के बाद में जब पिकअप का आप क्षतिग्रस्त देख सकते हैं कितना पत्थर हाल में क्षतिग्रस्त हुआ है पिकअप वाहन, पिकअप के पूरे धज्जियां उड़ चुके हैं। तो आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि जवानों का किस तरह का हाल हुआ होगा और जवान वहां पे हालांकि वहां पे पहुंच चुकी है, जवानों का शव को बरामद कर लिया गया है और सारी चीजों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल हमेशा खड़ा होता है कि कब तक आखिर जवान जो है अपनी शहादत को देते रहेंगे और कब तक इस प्रकार की घटना होती रहेगी। सतीश, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या वहां पर और कोई लोग फंसे हो सकते हैं, क्या नक्सली आमतौर पर एम्बुश लगाकर बैठते हैं इस घटना को अंजाम देने के बाद वहां से, क्या वो भाग गए, ये माने कि अभी भी उनकी वहां पर उपस्थिति है, उनसे मुठभेड़ भी हो सकती है जवानों की? देखिए मोहन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि इस प्रकार की घटना के बाद में नक्सलियों का जो मूवमेंट रहता है वो काफी ज्यादा बढ़ गया रहता है और वो लोग तैयारी करके रहते हैं कि कहीं अगर कोई जवान की जो दूसरी पार्टी है, बैकअप पार्टी है, वो कहीं अगर अचानक आती है तो उन पर भी हमला किस प्रकार से किया जा सके, और इसका अंदेशा पहले से जवान लगा के रखे थे। और जब बॉडी जब सिनात किया भी जा रहा था बॉडी को,
तो उस दरमियान भी जो है काफी जो है मुस्तैदी के साथ जवान लगे हुए थे ताकि किसी प्रकार का कोई अप्रिय और घटना ना हो सके। ये भी जरूरी बात है कि नक्सली जो होते हैं वहां पे जब भी इस प्रकार की कोई घटना करते हैं तो उसके बाद में जब नक्सली छुप करके एम्बुश लगा करके अक्सर देखते हैं कि कहीं जवान और भी बचे तो नहीं है, कहीं जवान और छुपे तो नहीं है ताकि उन पर भी हमला किया जा सके। जी ठीक है, तो ये थे हमारे संवाददाता सतीश जो कि बता रहे थे कि किस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं। हमारे जो संवाददाता है जो कि ग्राउंड में मौजूद हैं उनसे भी संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। घटना स्थल पर वो पहुंचे हुए हैं, वहां के जो हालात हैं उसकी वो जानकारी ले रहे हैं। जवानों के शवों को अब जिला मुख्यालय में लाने की तैयारियां चल रही है, इस तरीके की जानकारी है। और इधर एक अपडेट ये भी आ रही है कि इस तरीके की घटना के बाद पुलिस महकमा काफी अलर्ट हो गया है, अलर्ट मोड में आ गया है पीएचक्यू, और इसीलिए पीएचक्यू में समय बड़ी बैठक चल रही है। और ये बड़ी बैठक पीएचक्यू में बड़े आला अफसरों के बीच इस संबंध में चल रही है कि कैसे इस पूरे सिचुएशन को हैंडल किया जाए। तो पीएचक्यू में बैठक चल रही है, इसके पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा इस घटना को लेकर, आइए सुन लेते हैं। जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त। जी, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान के आखिरी वर्ड ही काफी कुछ कहते हैं। आखिरी में उन्होंने ये कहा कि योजना बनाकर नक्सलवाद को खत्म किए जाने की दिशा में काम करने की जरूरत है। उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है, लेकिन आखिर में जो कहा वो काफी कुछ हद तक बताता है कि राज्य सरकार के इरादे क्या हैं। राज्य सरकार चाहती है कि इस पूरे मसले को हैंडल इस तरह कैसे किया जाए कि ऐसी घटनाएं आगे ना हो, नक्सलवाद को खत्म किया जाए, और इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना बनाकर इससे निपटने की जरूरत है। एक अपडेट और ये है कि मुख्यमंत्री के से बात की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बातचीत की है और जाना है कि क्या घटना हुई है, क्या एक्शन राज्य सरकार ले रही है, राज्य सरकार को क्या मदद की जरूरत है। इस संबंध में हर संभव मदद का आश्वासन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। तो लगातार एक्टिविटी बढ़ गई है, एक्टिव हो गए हैं केंद्र के जो पुलिस के अधिकारी हैं वहां से लेकर राज्य के पुलिस अधिकारी तक सब इस बात की जानकारी चाहते हैं कि क्या घटना हुई है, कैसे घटना को अंजाम दिया गया, क्या अब एक्शन लिया जा सकता है आगे। सबसे पहली प्राथमिकता थी कि जवानों को जो है उनके शवों को सुरक्षित स्थान पर लाया जाए, तो वो काम तेजी से चल रहा है और उसके बाद आगे की प्रक्रिया चलेगी। फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत के बाद स्थिति ये हुई कि पीएचक्यू में बैठक हुई है। पीएचक्यू की बैठक में क्या कुछ निकल के आएगा वो भी हम अपडेट आपको करेंगे। फिलहाल जवानों के नाम सामने आए हैं, जिन जवानों ने अपनी शहादत दी है उनके नाम सामने आए हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद उनके शव रवाना किए जाएंगे। प्रधान आरक्षक के बाद प्रधान आरक्षक मुन्ना राम जो हैं वो शहीद हुए हैं, संतोष तामो प्रधान आरक्षक थे वो भी शहीद हुए हैं, नौ आरक्षक दुलगो मंडावी शहीदों में उनका नाम है, लखमू मरकाम का नाम है, जोगा कवासी नौ आरक्षक हैं, हरिराम मंडावी नौ आरक्षक, गोपनीय सैनिक राजू राम भी उनके साथ थे, गोपनीय सैनिक जयराम पोडियाम उनके साथ थे, गोपनीय सैनिक जगदीश कवासी उनके साथ थे और वाहन चालक धनीराम यादव। इस तरीके से ये लोग थे जो कि नक्सली घटना में शहीद हुए हैं। 11 लोगों के नाम आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये वो जवान हैं जिन्हें हम सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने आज अपनी शहादत दी है, देश के नाम अपनी जान इन्होंने गंवा दी है।
और ऐसे ही जवानों की वजह से आज हम सुरक्षित हैं, इसलिए इनके प्रति हमारी चैनल की ओर से भी श्रद्धांजलि है और श्रद्धांजलियों का लगातार क्रम जारी है। तो ये 11 जवानों के नाम, सभी जवान जो हैं वो छत्तीसगढ़ सुरक्षा बल के हैं और इस पूरे मोर्चे में छत्तीसगढ़ के जवान वहाँ लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। नक्सलियों को पीछे ढकेलने में इनकी भूमिका थी और इसीलिए घात लगाकर नक्सलियों ने हमला किया। ये घटना स्थल कहाँ पर है वो भी हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या हुआ था वहाँ पर, किस तरीके से इस घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया। जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा से कुछ दूरी पर बचेली से आगे अरन्यपुर का ये क्षेत्र है जहाँ पर ये घटना को अंजाम दिया गया। जवान गए थे वहाँ गश्त करने, उसके बाद लौट रहे थे, लौटते समय इस घटना को अंजाम दिया गया, जिससे आप समझ सकते हैं कि जाते समय इस बात की जानकारी नक्सलियों को हो गई थी कि ये जवान सारे एक वाहन में सवार होकर आगे गए हैं, वापसी इसी रास्ते से होगी और इसीलिए घात लगाकर वो बैठे हुए थे इस बात का इंतजार करते हुए कि वाहन उस इलाके में, उस क्षेत्र में, उस सड़क पर कब पहुंचेगी जहां पर इस विस्फोट को अंजाम दिया जा सके। तो धनीराम यादव जो कि वाहन चालक थे उनको छोड़कर सभी 10 लोग पुलिस बल के जवान थे, जिसमें प्रधान आरक्षक और 9 आरक्षक के साथ साथ गोपनीय सैनिक भी शामिल थे। तो जो नाम सामने आ रहे हैं वो आपके स्क्रीन पर हैं। हम सभी इन जवानों की शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है, घटना की गंभीरता किस तरीके से है इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमित शाह ने फोन किया और अब पीएम मोदी का ट्वीट सामने आया है जिसमें वो इस बात के लिए श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं हमारे जवानों को जिन्होंने जान गंवा दी है। इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान जो कि शहीद हुए हैं इस घटना में उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने शोकाकुल परिवार को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। लगातार श्रद्धांजलियों का क्रम हमें देखने को मिल रहा है, प्रतिक्रियाएं भी सुनेंगे एक एक करके। जी सतीश अलूर के पास एक बार फिर से रुक करेंगे और सतीश से बात करने की कोशिश करते हैं। सतीश, क्या जानकारी मिल रही है, क्या वहां से शवों को कहां लाया जा रहा है, दंतेवाड़ा लाया जा रहा है या कहां पहले लाकर शवों को रखा जाएगा, उसके बाद उन्हें जगदलपुर में भी रखने की जानकारी आ रही है, क्या शवों को लेकर वहां से जवान निकल गए हैं? मोहन, मैं बताना चाहूंगा कि ये सारे जवानों के जो शव हैं उनको पहले तो जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा लेके आया जाएगा और उसके बाद फिर जगदलपुर लेके जाएगा जहां पर इन जवानों का जो है सभी मिल करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके पश्चात फिर वो गृहग्राम के लिए भेजा जाएगा उनके शवों को। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मुख्यमंत्री साहब जैसे बता रहे हैं उन्होंने काफी संवेदना व्यक्त की है, उनके परिवार वालों के लिए संवेदना व्यक्त की है कि जितने मृतक जो शहीद हुए जवान है उनके परिवार को बहुत ज्यादा गहरी संवेदना जताया गया है मुख्यमंत्री के तरफ से। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि कितनी जिस तरह के जो मुस्तैदी दिखाते हैं जवान, और ये लाल आतंक का जो क्षेत्र है पूरे दंतेवाड़ा बस्तर या सुकमा ये जो क्षेत्र है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो जवान यहाँ पे शहीद होते हैं, अपनी शहादत देते हैं, अपनी जन्मभूमि के लिए अपनी प्राण निछावर करते हैं, ऐसे जवानों के लिए एक प्रेरणा स्वरूप जो एक वर्ड भी जो है उनके परिवार वालों के लिए दिया जाता है वो बहुत अच्छी बात होती है। और यह मुख्यमंत्री जी ने जो है जो बोला है, इस तरह का जो बात कहा है उससे कहीं ना कहीं परिवार को एक गहरी संतुष्टि तो प्राप्त हुई है, लेकिन ये जो परिवार को क्षति जो पहुंची है उसके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान परिवार जो झेलने आने वाले दिनों में झेलने वाला है उस पर भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि
आखिर कितने जवान और शहीद होंगे इस मुहिम के। जी ठीक है, ये क्या इसमें कोई चूक सामने आई है क्या? जवानों ने कोई फॉर्मेशन का या प्रोटोकॉल का जो पालन करना चाहिए वो नहीं की है, ऐसी भी जानकारी आ रही है क्या? जी मोहन जी, मैं बताना चाहूंगा, अक्सर जवान जब भी एरिया डोमिनेशन पे निकलते हैं या सर्चिंग पार्टी पे निकलते हैं तो जवानों को यह पता होता है कि इस रूट से जाना है और वो उसी रूट को ही फॉलो करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो जवान जितने शहीद हुए हैं, जो डीआरजी के जवान हैं, ये जवान अक्सर जो है सीआरपीएफ बटालियन के तुलना में अलग विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। इन जवानों का जो डायरेक्शन होता है वो बिल्कुल अलग होता है और इनकी जो गाइडलाइन होती है ये भी बिल्कुल अलग होती है। तो उसी गाइडलाइन के तहत ये जवान जो है वहां आरनपुर क्षेत्र से वापस जब लौट रहे थे तो बीच सड़क पर जिस प्रकार का यह विस्फोट हुआ है उसको देख करके तो यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जवानों का जो रूट था उनको कहीं ना कहीं बहुत ही अलग तरीके से जो है कैच किया गया है और इस प्रकार का जो विस्फोट किया गया है उसमें ज्यादा से ज्यादा जवानों को नुकसान पहुंचाने की कवायद नक्सलियों की तरफ से किया गया था। तो ये थे सतीश जो कि घटनास्थल के काफी पास हैं। इसके अलावा धीरेन भी हमारे संवाददाता घटनास्थल पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद सारी जानकारी के लिए सतीश। अब एक एक करके प्रतिक्रियाएं भी सुन लेते हैं इस मामले में। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने क्या कहा वो जान लेते हैं, उसके बाद एक एक करके राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की ओर रुख करेंगे। सबसे पहले ताम्रध्वज साहू जो कि गृह मंत्री भी हैं प्रदेश के, उनके पास क्या जानकारी आई है, क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। अभी जो प्राप्त जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी, अनरनपुर थाना क्षेत्र का मामला है, वहाँ कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी। डीआरजी के जवान रवाना किए गए थे, सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो आईडी ब्लास्ट किया गया है जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है, कुल 11 लोगों की, शहीद हुए हैं 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी चली जाएगी तब विस्तृत जानकारी मिलेगी। तो ये थे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। प्रारंभिक जानकारियां काफी हद तक उनको थी लेकिन अभी और अपडेट आनी बाकी है और अपडेट के बाद वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन प्रारंभिक रूप से उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि घटना हुई है और वहां पर जो मौजूदा स्थिति में मदद पहुंचाई जानी चाहिए वो सारी मदद पहुंचाई जा रही है। तो गृह मंत्री लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि क्या घटना में और क्या जानकारियां मिल सकती है, नक्सली उस घटना को अंजाम देने के बाद कहाँ गए होंगे। जो जानकारियां आ रही है वो ये भी हैं कि इसमें कोई बड़े नक्सली ग्रुप की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, केवल 2 या 3 नक्सली होंगे जो कि इस बात को ध्यान में रखकर ताक पर बैठे थे कि इस रास्ते से कोई वाहन जो कि जवानों से भरा होगा वो यहां से गुजरेगा और उस घटना के लिए उन्हें ब्लास्ट करने के लिए तारों को जोड़ना होता है, वो तारों को जोड़कर इस घटना को अंजाम दिया गया और इसीलिए आसपास के इलाकों में कोई नक्सली आमद जैसी स्थिति नहीं मिली थी। घटना को अंजाम देकर आसानी से लोग रवाना हो गए। अब ये देखिए गूगल तस्वीर जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से अंदाज हो पाएगा कहां पर है ये अरनपुर, कहां पर है दंतेवाड़ा। जिला मुख्यालय से काफ़ी करीब ये घटना स्थल है जिसे हम आपको गूगल तस्वीर की जगह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अरनपुर का वो क्षेत्र है और ये उतना घना सघन नक्सली इलाका या फिर वन क्षेत्र नहीं है। दंतेवाड़ा से लगा हुआ जो और कस्बाई इलाका है उसमें से एक है ये और इसीलिए यहाँ पर मार्ग आपको पक्के दिखाई दे रहे हैं। ये घटना दिखाई दे रही है अरनपुर की। अरनपुर कहाँ है उसे गूगल मैप की के जरिए आप समझ सकते हैं। दंतेवाड़ा, बचेली और बचेली के आगे अरनपुर का ये वो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। इस पूरी घटना के बाद लगातार राजनीतिक बयान भी हमें देखने सुनने को मिल रहे हैं और इन बयानों से ये बात भी साफ है कि इसको लेकर सियासत जो है वो अब तेज हो गई है। सियासत जो है वो तेज हो गई है और इसीलिए प्रतिक्रियाओं का दौर हमें देखने को मिल रहा है। हम सुन लेते हैं एक एक करके राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। डॉक्टर रमन सिंह का ट्वीट आ चुका है, अरुण साहब की प्रतिक्रियाएं हैं,
इसके अलावा धर्मलाल कौशिक ने भी बयान दिया है, तो बीजेपी के नेताओं को एक मौका मिल गया है। डॉक्टर रमन सिंह का ट्वीट पहले सबसे पहले देख लेते हैं। डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके समय में भी इस तरीके की घटनाएं होती थी, इसलिए वो उन्होंने काफी नपा तुला जो है वो प्रतिक्रिया अपनी दी है। दंतेवाड़ा के अरण्यपुर में पुलिस वाहन पर हमला कर नक्सलियों ने कायरता दिखाई है, ये डॉक्टर रमन सिंह का कहना है। इस पूरी घटना में जो जवान और ड्राइवर शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि और उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने की बात कही है डॉक्टर रमन सिंह ने। इसी तरीके की कुछ प्रतिक्रिया अरुण साव जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की प्रतिक्रिया सामने आई है। हम उनका रुख करते हैं और उन सुनते हैं क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं अरुण साव। दंतेवाड़ा जिला के अरनपुर में जो नक्सली हमले में 11 नौजवानों के शहीद होने का समाचार मिला है, ये समाचार अत्यंत हृदय विदारक है, दुखद है। और इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं वीर शहीदों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, और निश्चित रूप से हम सबको आगे बढ़कर इस दिशा में अब सोचने की और काम करने की जरूरत। दंतेवाड़ा जिला की तो ये अरुण साव बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने नपी तुली प्रतिक्रिया दी है। ऐसे समय में राजनीति नहीं की जाती और इसीलिए बीजेपी शायद सोच समझ के ये प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। और इन प्रतिक्रियाओं में एक बात साफ है कि इस तरीके की घटनाओं के पीछे नक्सलियों की कायराना हरकत उजागर हुई है। नक्सली सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते और इसीलिए कायरतापूर्ण इस तरीके से बयान देते हैं। अब हम सुनेंगे धर्मलाल कौशिक जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। धर्मलाल कौशिक का बयान क्या है वो भी सुन लेते हैं। धर्मलाल कौशिक ने क्या कहा। मैं सबसे पहले तो जो जवान हमारे शहीद हुए हैं मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार से घटना हुई है निश्चित रूप से नक्सलियों का कायराना हरकत है ये, लेकिन जिस प्रकार से आप घटनाक्रम को देखेंगे, अभी एक सप्ताह पहले ही जो कांग्रेस सत्ता दल के विधायक हैं और उनके काफिले पर नक्सलियों के द्वारा हमला किया गया, जरूरत इस बात के थी कि सरकार गृह मंत्री को जाकर के जगदलपुर में बैठ करके संभाग मुख्यालय में समीक्षा करनी चाहिए, ये घटना क्यों घटी उसके कारण में जाना चाहिए और उसकी समीक्षा करके मनोबल को बढ़ाना चाहिए। लेकिन न वहां गए, न समीक्षा बैठक हुई और हमारे 11 जवान आज शहीद हो गए। यदि जाकर के सरकार के तरफ से तत्परता से कार्रवाई होती तो शायद आज 11 जवान हमारे शहीद नहीं होते। मैं सबसे पहले देखिए ये तस्वीरें अब आनी शुरू हो गई है और इन तस्वीरों से साफ है कि किस तरीके से उस गाड़ी के परखच्चे उड़े जिसमें जवान सवार थे। ये वो बड़ा गड्ढा जहां पर विस्फोटक लगा के नक्सलियों ने रखा था, विस्फोट होते ही पूरे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, जवानों के शरीर जो है वो छत विक्षत हो गए और इसीलिए उनको जो है लाया जा रहा है जिला मुख्यालय में। ये जवानों के शव आपको दिखाई दे रहे हैं, पूरी फोर्स वहां पर मौजूद है और इन तस्वीरों से साफ है उस घटना की विभत्स तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो बड़ी गाड़ी पहले ये वो गड्ढा जहां पर विस्फोट हुआ, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, गाड़ी का कुछ भी ऐसा अस्तित्व नहीं बाकी है जिसे पहचान में आ सके। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें बैठने वालों की क्या हालत हुई होगी और इसीलिए इस गाड़ी में सवार सभी 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए हैं। तो जवानों को लेकर जो वाहन गया था ये गाड़ी बताई जा रही है कि 10 जवानों के लिए बनी एक पिकअप थी जिसे नक्सलियों ने उड़ाया है और इस घटना की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जिन्हें हम आपके सामने
प्रस्तुत कर रहे हैं। तो लगातार ये तस्वीरें आप देखिए जिसमें जवानों के शवों को ले जाने की तैयारी चल रही है, पूरा फोर्स वहां मौजूद है, एम्बुलेंस की गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। ये कोशिश की जा रही है कि किसी जवान के अंग इधर उधर हों तो उन्हें इकट्ठा कर लिया जाए, जो एक तय प्रोटोकॉल होता है कि ऐसी घटनाओं से जवानों को ले जाया जाता है तो उसके लिए पहले एक सर्चिंग कर ली जाती है आसपास के इलाकों में। और वाहन की स्थिति आप देखिए, शायद गाड़ी सुमो थी जिसमें 10 जवान थे, एक ड्राइवर था, वो अब शहीद हो चुके हैं। जवानों के नाम भी सामने आ चुके हैं। इस घटना में किसी नक्सली ग्रुप का हाथ था उसको लेकर उन्होंने अभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। आमतौर पर ऐसी घटना के बाद वो एक प्रेस नोट जारी कर घटना की जिम्मेदारी लेते हैं, पर ये सारे लोग जो कि छत्तीसगढ़ के उसी बस्तर के रहने वाले थे अब अपने प्राण गंवा चुके हैं। नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम देकर एक दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की है, लेकिन वहां पर तैनात जवानों ने भी ये ठाना हुआ है कि वो हार नहीं मानेंगे और हर मोर्चे पर नक्सलियों को कड़ा जवाब देंगे। तो ये वो तस्वीरें जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि स्थिति को कंट्रोल करने के बाद वहां पर इस रोड को क्लियर करने का काम किया जा रहा है। शहीद जवानों के शवों को जिला मुख्यालय तक पहुंचाने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं एक एक करके, लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमने धर्मलाल की आपको प्रतिक्रिया सुनाई, अब हम रुक करते हैं बृजमोहन अग्रवाल ने क्या कहा इस मामले में, बीजेपी के कद्दावर नेता उनका क्या बयान है, बृजमोहन अग्रवाल का बयान सुनते हैं। देखिए ये घटना बहुत दुर्भाग्यजनक है कि जब हम इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं कि नक्सलवाद समाप्ति की तरफ है और ऐसे समय पर इतनी बड़ी घटना होना, 11 जवानों का शहीद होना कहीं न कहीं हमारे लिए अलार्मिंग है। और मुझे लगता है कि अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले विधायक के ऊपर में हमला किया, रोज कम से कम एक आम आदमी की वो मुखबिर के नाम से हत्या कर रहे हैं, सड़क बनाने वाली गाड़ियों को जला रहे हैं, पुलिस के जवानों को जहां पर भी अकेले में पाते हैं उसको मार रहे हैं। उसको जितनी गंभीरता से हमको लेना चाहिए उतनी गंभीरता से हम नहीं ले रहे हैं। और जब भी कोई पुलिस पार्टी या सुरक्षा दलों की पार्टी गश्त में जाती है तो रोड ओपनिंग पार्टी सामने चलती है, तो आखिर रोड ओपनिंग पार्टी सामने क्यों नहीं थी, ये ब्लास्ट क्यों हुआ? और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो शासन इसको गंभीरता से नक्सलवाद को नहीं ले रहा उसका परिणाम है कि आज हमारे 11 जवान शहीद हुए हैं। मैं उन जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और इस बात की कामना करता हूं कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। तो एक सदी हुई प्रतिक्रिया अब तक जो बीजेपी की आ रही थी उसमें अब ट्विस्ट दिखाई दे रहा है। बृजमोहन अग्रवाल की जो प्रतिक्रिया है उससे साफ लगता है कि सारा ठीक रहा बीजेपी सरकार पर फोड़ रही है। दो तीन महत्वपूर्ण बातें बृजमोहन अग्रवाल ने उठाई हैं कि भाई ऐसे समय में जब सर्चिंग की जाती है तो रोड ओपनिंग पार्टी पहले जाती है, वो देख समझ लेती है कि रोड में कोई ऐसी स्थितियां नहीं है जिससे जवानों को खतरा हो, उसके बाद जवानों को आगे भेजा जाता है, लेकिन शायद इस प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। ये बृजमोहन अग्रवाल का कहना है, उन्होंने सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। नक्सली घटनाएं लगातार बढ़ रही है ये भी उन्होंने कहा है। तो कई बातें कहकर बृजमोहन अग्रवाल ने सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है सरकार को। हमारे साथ हमारे संवाददाता रविंद्र जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। रविंद्र बताइए क्या कहा बृजमोहन अग्रवाल ने, और PHQ में भी बैठक है, दोनों का अपडेट दीजिए। और जो घोषणा की थी
और उस प्रकार से नए जो उन्होंने जो बयान सामने आ रहे हैं वो राजनीतिक राजनीतिक नतीजों से देखना जाएगा कि ये घटना को कितना राजनीतिक किया जाएगा। किस प्रकार बंगलेज के बाद मनमोहन अग्रवाल जब अभी बयान आया था उन्होंने सरकार को घेरने का भी प्रयास किया था कि उन्होंने ये भी कहा था कि जिस प्रकार सरकार सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है उनकी ये नाकामी है उनकी नाकामी है और क्या अपडेट है पीएचक्यू में बैठक हो रही है क्या डिस्कस किया जा रहा है उसमें क्या निकल कर सामने आएगा कोई नई रणनीति बनेगी क्या? रणनीति के तहत उसमें बैठक चल रही है और लगातार इस पे क्रियान्वित योजनाओं के तहत तो सीएम भूपेश बघेल जो तत्काल निर्देश दिए थे कि इस योजना के अंदर नक्सलियों को इस प्रकार सफाया किया जा रहा है और बड़े बड़े अधिकारी हैं जो हाजिर रहते हैं वो सभी बस्तर की जो जहाँ पर जो घटना हुई थी वहाँ मौके पे आला पदाधिकारी मौजूद है कि नक्सलियों को जो संख्या थी वो कितनी बड़ी थी और किस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया क्योंकि देखना ये बनता है किस प्रकार से जो नक्सलियों ने जो ये अटैक किया है उन्होंने एक अलग घटना के आगे समय में आने वाले समय में किस प्रकार की योजना बनाकर नक्सलियों का सफाया किया जाए किस प्रकार के जो बैठकों का दौर अभी चल रहा है वो और लंबा चलेगा अंत में रात तक ही देर काम पता चलेगा की क्या योजना है क्या निर्णय लिया गया है नक्सलियों के खाते के। ठीक है रविंद्र आप नजर बनाए रखिए हम पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। घटना का मंजर आपके सामने है और इस घटना से एक बात तो साफ है कि नक्सलियों को जो पीछे ढकेल दिया गया था उसकी वाहवाही लगातार सरकार लूट रही थी शायद इस बात से बौखलाकर इस घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया है। अब जो जानकारी आ रही है अंधेरा हो गया है और अंधेरे होने से पहले वहां से जवानों को लेकर निकलने की जो है तैयारी है तो जवानों के पार्थिव शरीर को लेकर वहां से फोर्स निकल रही है। हमारे संवाददाता जो कि दंतेवाड़ा के हैं धीरेंद्र उनसे संपर्क करेंगे वो घटना स्थल पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करके जानेंगे कि क्या जवानों को वहां से लेकर निकल गए हैं या फिर वहां पर और क्या कोई रणनीति चल रही है कोई नई बात वहां पर देखने को मिल रही है। धीरेंद्र से बात करेंगे। धीरेंद्र मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? ठीक है तो धीरेंद्र से हम बाद में संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जब तक हम प्रतिक्रियाओं का दौर देख लेते हैं आईजी पी सुंदर ने क्या कुछ कहा था घटना के बाद आइए सुनते हैं। धरपड़ी माओवादी के अनुसार उपस्थिति के सूचना पर दंतेवाड़ा डीआईजी द्वारा एक अभियान संचालित किए गए थे। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौट आए थे। इस दौरान आरमपुरी एवं सामेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर कुल 11 लोग का शहादत हो गई। अतिरिक्त रिइंफोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गए हैं। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों के बॉडी को इवैक्यूएशन की कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गए हैं। अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सके।
तो ये थे पी सुंदर, जो कि बता रहे थे कि क्या घटना हुई थी, क्या घटना को लेकर जो पीएचक्यू की प्रतिक्रिया है, आईजी ने क्या कहा, वो सारी बातें उन्होंने बताई हैं। फिलहाल हम धीरेंद्र तिवारी के पास चलेंगे, जो कि हमारे संवाददाता हैं, ग्राउंड स्थल पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। धीरेंद्र, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी, बताइए। ये बताइए, क्या अपडेट है वहाँ पर, आप मौजूद हैं घटना स्थल पर, क्या मंजर देखने को मिल रहा है, क्या पार्थिव शरीरों को लेकर, जवानों के शरीरों पार्थिव शरीर को लेकर रवाना हो गए हैं फोर्स? जी, जो घटना हुई है दंतेवाड़ा में काफी लंबी खबर, उसी के बाद नक्सलियों ने एक बड़ा घटना अंजाम दिया है, जिसमें 10 जवान घटना स्थल पे ही मौजूद हो, और मैं आपको बताऊं लगभग 7 चलिए एक बार फिर से धीरेन्द्र तिवारी को रुक करेंगे, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं कि यह पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे, क्या है इस घटना की सच्चाई। सबसे पहले टाइम वार अगर हम बताएं तो जो जानकारी मिल रही है, करीब 12-11 बजे ये फोर्स के जवान बचेली से निकलकर अरण्यपुर पार करते हुए आगे गए थे, उनको लौट कर आना था जल्द ही, लेकिन वो करीब 2 बजे के आसपास वहां से लौटने के लिए रवाना हुए, और ये गरीब घटना है 3 बजे की, जब ये जानकारी आई कि अरण्यपुर क्षेत्र के एक सड़क पर आईडी ब्लास्ट कर नक्सलियों ने पुलिस के एक बड़े वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया है। घटना में 10 जवान शहीद हो गए हैं, एक ड्राइवर भी इसमें शामिल था। इस तरीके से 11 लोग इस घटना में हताहत हुए हैं। अब वहां पर फोर्स पहुंच चुकी है, आसपास के इलाकों में कोई नक्सली आमद है ऐसी जानकारी नहीं मिली है। पूरे इलाके को फोर्स ने कब्जे में पहले लिया, उसके बाद उस स्थल पर पहुंचे जहां पर यह घटना को अंजाम दिया गया था। अब वहां से जवानों के शवों को निकालकर जिला मुख्यालय लाया जा रहा है। कोशिश ये थी कि कोई घायल होगा, लेकिन जिस ढंग का बड़ा विस्फोट किया गया, जिसमें 50 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया ऐसी जानकारी आ रही है, उससे आप समझ सकते हैं कि कितना विभत्स और भयानक ये विस्फोट रहा होगा, क्योंकि दूर दूर तक ये घटना की आवाज़ जो है, इस विस्फोट की आवाज़ सुनाई दी है। इस बड़े गड्ढे को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये विस्फोट था। ये चौड़ी सड़क, मजबूत सड़क, डामर की बनी नई सड़क थी, लेकिन आज उसकी हालत क्या हो गई है ये आपको देखने को मिल रहा है। तो जवानों के शवों को इकट्ठा कर जिला मुख्यालय पहुंचाने की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, उन्होंने ट्वीट भी किया है, प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है, केंद्रीय गृह मंत्री ने भी ट्वीट किया है, और इस मामले की घटना की जानकारी उन्होंने ली है, और लगातार हम इस घटना की अपडेट आपको दे रहे हैं, और इस घटना में नई अपडेट जो है वो आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। धीरेन्द्र से भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे, हमारे संवाददाताओं से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इस पूरी घटना से ये जो साल है वो दहल गया है। पिछले साल भी एक इस तरीके की घटना हमने देखी थी, और ये वो समय है जब नक्सली ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं, खासतौर पर पतझड़ का वो सीजन जब नक्सलियों को छुपने के लिए घना जंगल नहीं मिल पाता, तो वो वारदातों को अंजाम देकर पुलिस फोर्स को रोकने की कोशिश करते हैं, तो उसी घटना की ये कड़ी हो सकती है। तो नक्सलियों की जो रणनीति है, उसमें जब जंगल सूखे हो जाते हैं, उनको छुपने की जगह नहीं मिलती, तब वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हुए ये बताते हैं कि इस जगह से आप आगे ना आएं, ताकि वो भी सुरक्षित रहें या सुरक्षित स्थान की ओर चले जाएं। बरसात तक वो अपना राज स्थापित करना चाहते हैं, और बरसात में जब वो अंडरग्राउंड होते हैं, उसके पहले ये वो सीजन है गर्मी का जब वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसके लिए पुलिस अलर्ट रहती है, खास तौर पर हिदायत दे दी जाती है, और इसीलिए ऑपरेशन प्रहार 1-2 पहले हम देख चुके हैं, जिसमें बड़े नक्सलियों को मारने में पुलिस ने सफलता हासिल की थी,
लेकिन पिछले कुछ महीनों से लगातार ऑपरेशन बंद हैं और इसलिए घटनाएं नहीं हो पाई थी। एक बार फिर से प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं, जानते हैं क्या उन्होंने श्रद्धांजलि दी, उनके बातों में जो बातें थी उसका क्या मायने है वो भी जान लेंगे। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया सुनते हैं, जानते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना को लेकर क्या कहा। जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना कि नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। जो हमारे ठीक है, ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उसके बाद ये घटनास्थल की तस्वीरें। एक वाहन आप जो देख रहे हैं वो सामने, ये वही वाहन था जिस पर जवान सवार होकर अरण्यपुर का ये मार्ग पार कर रहे थे, लेकिन ये घटना हो गई जिसमें जवान शहीद हुए। घटना की विभत्सता को इस बात से समझा जा सकता है कि विस्फोट कितना भयानक रहा होगा जिसमें करीब 12 फुट बाई 15 फुट का एक डायमीटर का बड़ा सा गड्ढा बन गया है। इतना बड़ा गड्ढा तभी हो पाता है जब विस्फोटक करीब 30 से 50 किलो के आसपास हो। बताया ये जा रहा है कि इसमें टिफिन बम का प्रयोग किया गया होगा। दूर नक्सलियों की जैसी रणनीति होती है वो पेड़ या झाड़ियों के किनारे बैठकर इस बात का इंतजार करते हैं कि कोई वाहन उस विस्फोटक के ऊपर से गुजरे जिसे आईडी के जरिए शॉर्ट सर्किट कर ब्लास्ट किया जा सके, तो उस ताक में वो बैठे रहते हैं। और इस तरीके की पहले भी हम घटनाएं देख चुके हैं और इन घटनाओं से बचने का एक ही तरीका है कि पहले रोड ओपनिंग पार्टी जाए और एक साथ जवानों को ना भेजा जाए बल्कि ऐसी जगहों पर बाइक से या ऐसे साधनों का प्रयोग किया जाए जिससे एक साथ जवान ना दिखाई दें या एक साथ उनका मूवमेंट ना हो। एंटी माइन व्हीकल का इस्तेमाल ऐसी जगहों पर किए जाने की ज़रूरत होती है। ब्रिजमोहन अग्रवाल इस संबंध में कुछ सवाल उठा रहे थे तो वो एक बार फिर से सुन लेते हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता ब्रिजमोहन अग्रवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उन्होंने इस पूरी घटना को बताया कि सरकार की चूक है, किस ढंग से चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत थी लेकिन वो चीज़ें ध्यान नहीं रखी गई। मुख्यमंत्री के बयान के बाद बीजेपी की ओर से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उसमें ब्रिजमोहन अग्रवाल क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। घटना बहुत दुर्भाग्यजनक है कि जब हम इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं कि नक्सलवाद समाप्ति की तरफ है और ऐसे समय पर इतनी बड़ी घटना होना, 11 जवानों का शहीद होना कहीं न कहीं हमारे लिए अलार्मिंग है। और मुझे लगता है कि अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले विधायक के ऊपर में हमला किया, रोज कम से कम एक आम आदमी की वो मुखबिर के नाम से हत्या कर रहे हैं, सड़क बनाने वाली गाड़ियों को जला रहे हैं, पुलिस के जवानों को जहां पर भी अकेले में पाते हैं उनको मार रहे हैं। उसको जितनी गंभीरता से हमको लेना चाहिए उतनी गंभीरता से हम नहीं ले रहे हैं। और जब भी कोई पुलिस पार्टी या सुरक्षा दलों की पार्टी गश्त में जाती है तो रोड ओपनिंग पार्टी सामने चलती है, तो आखिर रोड ओपनिंग पार्टी सामने क्यों नहीं थी, ये ब्लास्ट क्यों हुआ? और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो शासन इसको गंभीरता से नक्सलवाद को नहीं ले रहा उसका परिणाम है कि आज हमारे 11 जवान शहीद हुए हैं। मैं उन जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और इस बात की कामना करता हूं कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। देखिए ये घटना बहुत दुर्भाग्यजनक है। केजरीवाल का ट्वीट आया कि नक्सलवाद समाप्ति की तरफ है और ऐसे समय पर इतनी बड़ी घटना होना, 11 जवानों का शहीद होना कहीं न कहीं हमारे लिए अलार्मिंग है। और मुझे लगता है जी, और इस मामले में नया अपडेट यह है कि केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनका भी ट्वीट सामने आया है। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट दिया है, घटना कितनी विभत्स है, घटना से लोग कितने आहत हुए हैं उससे इस बात का पता चलता है कि देश भर से लगातार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं
और अब अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया मैं आपको बता दूं, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में हमारे जवान शहीद हो गए, नक्सलियों की ये कायराना बेहद परेशान करने वाली सूचना है, नक्सलियों को कुचलने के लिए सभी सरकारों को सख्त कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि सभी सरकारों को सख्त कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। नक्सलियों के द्वारा जब वारदात अंजाम दी जाती है तो कई बार हम ये मान के चलते हैं कि ये किसी एक प्रदेश की समस्या है या ये उस प्रदेश का मामला है, लेकिन नक्सली ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर दूसरे प्रदेश चले जाते हैं और दूसरा प्रदेश उस पे एक्शन नहीं ले पाता, और इसीलिए ये बात पर जोर बार बार दिया गया कि सभी प्रदेश साझा प्रयास करें, खासतौर पर नक्सल प्रभावित जो प्रदेश हैं वो मिलकर काम करें, तो उसमें ज़रूरत बनी हुई है। और इसी बात को इंगित करते हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल का ये ट्वीट सामने आया है। हालांकि नक्सल समस्या से काफ़ी दूर है दिल्ली, लेकिन घटना देश में हुई है तो प्रतिक्रियाएं भी लगातार देखने सुनने को मिल रही हैं। तो केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनका ट्वीट सामने आया है। इसके पहले हम बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि व्यक्त की है, इस घटना पर चिंता भी उन्होंने जताई है। इसके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान आ चुका है और उस बयान के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर जो बातचीत हुई है उसमें आश्वासन दिया गया है कि हर संभव मदद की जाएगी। तो घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें जवानों को अब लेकर वहां से फोर्स रवाना हो रही है, क्योंकि इस बात के निर्देश थे कि शाम होने से पहले, अंधेरा होने से पहले, उन सब जवानों की वापसी हो, तो वो सुनिश्चित करने के लिए जवान वहां पर लगातार सक्रिय थे। और 3 बजे से अब 6 बजने वाले हैं, इसलिए जो आवश्यक साक्ष्य होते हैं वो जुटाए जा चुके हैं। जवानों के पार्थिव देह को जो है वो प्रिजर्व कर लिया गया है और वहां से लेकर एम्बुलेंस रवाना हो रही है। पल पल की अपडेट हम आपको कराते रहेंगे। हमारे संवाददाता धीरेंद्र तिवारी भी वहां मौजूद हैं, उनसे भी एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस पूरे घटना ने पूरे छत्तीसगढ़ को दहला दिया है, देश भर से इसको लेकर प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। चलिए अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आ गया है जी, ट्वीट अरविंद केजरीवाल का जिसमें वो शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और इस बात की चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि नक्सलियों को कुचलने के लिए सभी सरकारों को सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। तो ये वो ट्वीट जिसमें अरविंद केजरीवाल ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये हमारी खास पेशकश थी दहला अरनपुर, इसकी पल पल की अपडेट हम आगे भी अलग अलग बुलेटिनों में आपको देते रहेंगे। घटना की पूरी जानकारी हमने आपको बताने की कोशिश की और उसके बाद की प्रतिक्रियाएं, इसको लेकर एक्शन, इस पर क्या क्या और अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए TV24। नमस्कार।